हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी जमीन खोते जा रहे कई दल और क्षेत्रीय पार्टियां उस पराकाष्ठा तक उतर आई है जहां देश सर्वोपरि नहीं होता, बल्कि इनके निजी स्वार्थ और सत्ता की चाह कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। इनके लिए देश एक खिलौना है और सत्ता आनंद की वस्तु। ऐसे दलों ने भारतीय जनमानस को दशकों तक बुद्ध बनाकर खूब मालपुए चट किए। अब वह इनके हाथ से छिटके तो यह ऐसी सीना जोरी पर उतर आए हैं जहां देश की असमत और अखंडता इनके लिए मायने नहीं रखती। मतलब इन्हें सत्ता का आनंद भी चाहिए, खंडित भारत भी। ऐसा इसलिए कि इनकी राजनीति का स्रोत खंडित भारत, विघटनकारी ताकतें, सांप्रदायिक मतभेद और अलगाववादी विचारधारा ही रही है। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने पिछले 70 दशक से भारत के माथे पर कलंक बन चुके अनुच्छेद 370 और 35 को मिटाया तो भारत के नेताओं की बची खुची जमीन भी हाथों से फिसल गई। मोदी सरकार का यह फैसला बेहद कठोर था और इसे लागू करने के लिए बेहद कुशाग्रता और धैर्य की आवश्यकता थी। इसकी वजह यही थी कि 70 साल से कांग्रेस ने इसके भरोसे अपनी राजनीति के एक हिस्से को जोड़े रखा था, यानी जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के बाद कांग्रेस ने ही अपने वारे नारे किए। मोदी ने इस नामुमकिन को मुमकिन तो कर दिया, मगर उन नेताओं को भी सीधे सीधे चुनौती दे दी जिनके लिए देश विरोध और मोदी विरोध समान महत्व रखते हैं। इन दलों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां सबसे मुखर होकर सामने आई। इनकी पीड़ा यह नहीं थी कि कश्मीर से 370 क्यों हटाई। इनकी असली व्यथा यह है कि पिछले 5 साल से सत्ता के स्वाद से महरूम ये नेता 10 साल और पीछे खिसक गए हैं। अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए इन्होंने जिस खतरनाक योजना का ताना बाना बुना है उसे देखकर ही हृदय में सिहरन उठ खड़ी होती है, साथ ही क्षोभ की भावना भी आपा खोने लगती है। इस वक्त राहुल गांधी दिल्ली से श्रीनगर हवाई अड्डे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके साथ विपक्षी दलों के 11 अन्य नेता भी हैं। इससे पहले भी ये महान नेता श्रीनगर से बैरंग लौटकर आ चुका है, लेकिन अपनी योजना को परवान चढ़ाने के लिए यह इस बार पूरी पंचायत लेकर जा रहा है। हालांकि 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडित और सिखों को मारकर यहां से भगाया गया था तब ये नेता अपने कमरों में बंद होकर सुख सुविधाएं भोग रहे थे। दरअसल राहुल एंड पार्टी इस वक्त जिस मिशन पर काम कर रही है उसका नाम इन्होंने मिशन मोदी फेलियर रखा है, क्योंकि इन्हें लगता है कि धारा 370 का मुद्दा जहां नरेंद्र मोदी को शक्तिमान और लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित कर सकता है, वहीं अगर भाजपा सरकार को कश्मीर मुद्दे पर घुटनों पर ला दिया जाए तो इस सरकार का पतन तो होगा ही, राहुल एंड पार्टी की सत्ता में वापसी की गुंजाइश भी बढ़ जाएगी। यानी मोदी विरोधी और सत्तालु नेता कश्मीर के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जबरदस्त योजना बना रहे हैं। यह पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा को सच साबित करने का काम कर रहे हैं जिसमें वह बार बार कश्मीर में अत्याचारों का झूठा ढिंढोरा पीट रहा है। इनका मकसद मोदी सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डलवाने का है, जिससे जम्मू कश्मीर की स्थिति को विस्फोटक दिखाकर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए कि मोदी 370 हटाने का अपना फैसला वापस ले ले। मतलब राहुल एंड पार्टी घाटी में फिर से अगस्त से पहले की स्थिति स्थापित करने के लिए कदम बढ़ा रही है। इन्हें लगता है कि वह श्रीनगर की यात्राएं करके दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे और बड़े देशों को मोदी सरकार से सवाल पूछने का मौका मिल जाएगा। कमाल की बात यह है कि राहुल एंड पार्टी जानती है कि उन्हें श्रीनगर से बैरंग लौटा दिया जाएगा, मगर फिर भी वे राष्ट्रहित के मुद्दे पर देश की अस्मिता से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हें यह भी पता है कि यदि 5 अगस्त से पूर्व की स्थिति फिर से कश्मीर में करवा दी तो मोदी सरकार पर फेलियर और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आने का ठप्पा भी लग जाएगा, जिसका जवाब देने की हिम्मत सरकार में नहीं होगी। मतलब अपने ही देश की अखंडता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ मुगलों के शासन में तो होते सुना होगा, पर वर्तमान भारत में भी ऐसा होगा देखकर सिर शर्म से झुक जाता है। बड़ी बात यह है कि राहुल एंड पार्टी किसी सेना के जनरल नहीं है जो कश्मीर घाटी में निरीक्षण करने जा रहे हैं। अगर यह देश के प्रति वफादार हैं तो इन्हें देश की सेना के प्रति भी वफादारी दिखानी चाहिए, जो अपने परिवार से दूर जान हथेली पर रखकर कश्मीर में अपने देश के मान हेतु शांति बनाकर रखे हुए हैं। असल बात यही है कि इन्हें यह शांति हजम नहीं हो रही है। मोदी सरकार की यह बड़ी सफलता इन्हें बर्दाश्त नहीं हुई है। इन्हें लगता था कि अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर जलने लगेगा, पर वहां एक पत्ता तक नहीं हिला है। मोदी सरकार का यही करिश्मा इनकी छाती पर सांप लौटा रहा है। पर इन्हें ध्यान रखना होगा कि कश्मीर प्रकरण बहुत से नेताओं की दुकानदारी बंद करने वाला है।
इसमें कांग्रेस पूरी की पूरी इतिहास बन जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि देश की अखंडता के खलनायक बनकर राहुल गांधी ही सबसे आगे चल रहे हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।